सुप्रभात बच्चों, आज आइए हम लोग फिर से समास के बारे में पढ़ते हैं। कल हमने समास और समास विग्रह और समास के भेदों के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी और हमने पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर समासिक शब्द का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में दो शब्दों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्दों के लोप करने में दो पद आ जाते हैं। कभी कभी दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में संकेत करते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द समस्त पद बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो समास विग्रह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और समास के भेदों के बारे में हमने पढ़ा था कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं और हमने द्वंद समास के बारे में पढ़ा था। अब आइए आज हम लोग बहुव्रीही समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, उसे हम बहुव्रीही समास कहते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी जब उसकी प्रधानता नहीं होती है और जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या की अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहां हम बहुव्रीही समास कहते हैं। जैसे हिमालय, यहाँ हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, यानी ये दोनों जो पद हैं ये अप्रधान पद हैं, लेकिन पर हिमालय से एक विशेष पर्वत का बोध होता है। अन्य उदाहरण में रखें, लंबोदर शब्द के दो पद होते हैं, लंबा और उदर। यह दोनों अप्रधान शब्द होते हैं किंतु यह किसी विशेष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किंतु जैसे गणेश, इस शब्द में लंबा और उदर दोनों अप्रधान हो गए और अन्य शब्द गणेश की प्रधानता हो गई। इसी प्रकार अन्य कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे दशानन, दस हैं आनन जिसके अर्थात रावण, महावीर, महावीर हैं जो अर्थात हनुमान, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु भगवान। इस प्रकार और भी उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों, आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसे समझें। उसके बाद है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय हो, क्रिया विशेषण का काम करता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते। इस समास में समस्त पद का रूप किसी भी लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलता है। जैसे प्रतिदिन, यह एक समासिक शब्द होता है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो दिन दिन होता है। और इस समासिक पद जैसे हुआ आजन्म, यानी विग्रह करने से जन्म से लेकर। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, निडर यानी डर के बिना, यथाविधि, विधि के समान, और बखूबी यानी खूबी के साथ साथ। इसमें जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय हो, क्रिया विशेषण का काम करते हैं, उससे अव्ययी समास हम कहते हैं। पहचान कैसे हम करेंगे? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय माना जाता है, अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है। इन सभी शब्दों में पहला पद, इसे ध्यान से सुनिए, इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है और जो समास लगाने के बाद उसका रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इन सभी शब्दों में पहला पद प्रति, आ, यथा, नी और अव्यय है। इन अव्ययों के योग से संपूर्ण पद अव्यय रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन सभी शब्दों में पहले शब्द की प्रधानता है, यानी इसमें जो भी पद दिए गए हैं, जो प्रथम पद होता है उसकी प्रधानता इसमें बनी रहती है। उसके बाद से है तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह ने, को, के आदि के लिए लुप्त हो जाता है। इसमें अभी मैंने बताया अव्ययी समास में क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वह महत्वपूर्ण होता है और जो तत्पुरुष समास है उसमें जो उत्तर पद होता है वो, यानी जिसमें जो बाद का पद होता है उसमें उसकी प्रधानता होती है। और अव्ययी समास में विभक्ति चिन्ह नहीं लगते हैं, जबकि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। विभक्ति चिन्ह जैसे हो गया ने, को, के लिए, पर, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजकुमार,
राजा का कुमार, यहाँ पे का एक विभक्ति चिन्ह है। जैसे और भी इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, यानी के लिए जो होता है वो विभक्ति चिन्ह होता है। इसमें नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, रसोई घर, रसोई के लिए घर, और प्रदूषण रहित, यानी प्रदूषण से रहित, ये जितने भी चिन्ह होते हैं ये विभक्ति के चिन्ह होते हैं। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास छह भेदों के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। चिड़ीमार यानी चिड़िया को मारने वाला, माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है, यानी जो जन्म से अंधा होता है तो जो करण तत्पुरुष समास लगते हैं उसमें जन्मांध हो जाता है। तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी कृत। उसके बाद इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे हम जब कभी इसका प्रयोग करते हैं तो संप्रदान कारक में होता है हवन के लिए सामग्री, ये जो शब्द है तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हवन सामग्री यानी जो के लिए विभक्ति वो लोप हो जाती है। मार्ग के लिए व्यय यानी मार्ग व्यय, इसमें भी के लिए जो हो ये विभक्ति है यह लोप हो जाती है। आपादान तत्पुरुष, इसमें आपादान कारक की विभक्ति से लोप से का लोप हो जाता है। जैसे गुण से हीन यानी गुणहीन, धर्म से विमुख यानी इसमें जो से है वो बिल्कुल लोप हो जा रहा है और इसे हम धर्म विमुख कहते हैं। उसके बाद पांचवा संबंध पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप हो जाता है, यानी राजा की पुत्री, राजपुत्री, दीनों के नाथ, दीनानाथ। उसके बाद आइए हम छठा तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समाज है। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार और कवि श्रेष्ठ यानी कवि में श्रेष्ठ, यानी में और जो पर होता है उसका इसमें इस शब्द में लोप हो जाता है। इसके बाद है कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता था पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंधी हो जाते हैं, कर्मधारय समास लगते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना जाता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जो यानी बाद का जो पद होता है वो प्रधान होता है, और जो पूर्व पद होता है वो उत्तर पद में उपमान और उपमेय तथा विशेषण विशेष संबंध हो जाते हैं। जैसे यहाँ नीला कमल है, नीले रंग का कमल, पन चक्की पानी से चलने वाली चक्की, कमल नयन कमल के समान नयन, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख उसका। इस प्रकार चरण कमल, काली मिर्च, मृग नयन और महाराज के बारे में भी यहाँ पे कितने सारे उदाहरण दिए गए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समाज कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे पीतांबर, चंद्रावली, नील गगन, मशहूर नीलाकाश, दही बड़ा, गोबर गणेश, मुखचंद, भावसागर। इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। पहले उदाहरण में नील कमल शब्द में नीला विशेषण है तथा कमल विशेष्य है। तो संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उदाहरण में चरण कमल शब्द में चरण की तुलना कमल से की गई है। यहाँ चरण उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है तथा कमल जो है वो जिससे तुलना की जाए, अर्थात यह कर्मधारय समास होता है। अब लास्ट है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और वह समस्त पद समूह का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास तत्पुरुष का ही उपभेद है। जैसे जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और जो समस्त पद जितने भी पद होते हैं समूह का बोध कराते हैं। इसमें उदाहरण आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। इसमें उदाहरण दिया हुआ दोपहर यानी दो पहरों का समूह, यानी जब दो पहरों का समूह होता है तो इसमें उसे हम दोपहर कहते हैं। सप्ताह सात दिनों का समूह, चौराहा चार राहों का समूह। इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब पूर्व पद संख्या पद विशेषण
विशेषण होता है, यानी जो पहला शब्द होता है, जो पूर्व पद होता है, वह क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। 100 वर्षों का समूह यानी उसे हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। सत जो 100 शब्द अर्थ वर्षों से, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। इस तरह बहुत सारे उदाहरण दिए गए बेटा। बच्चे आज आप लोग इसे देखे, ध्यान से पढ़े। हमने इसमें क्या क्या सीखा? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर 1 शब्द बनाया जाए तो उसे सामासिक शब्द कहते हैं। और समास किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों में समस्त पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और इसमें समास के विग्रह के बारे में बताया गया है और समास के कितने भेद होते हैं यह बताया गया। बच्चों आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।